हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में यूनिक ऑनलाइन गुरु पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बात करा था, मैं आप इसीलिए पिछली स्लाइड्स को फिर से एक बार सोचाऊँ कि आपके सामने रिवाइज करा दूं। हम लोगों ने कल यानी कि कल की क्लास में क्या सीखा था कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, और कुछ यूज़ हमने द का सीखा था। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, याद रखना, सबसे पहले सीखने वाले कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते थे जो मैंने कल नहीं बताया था, और साथ में आज ये सीखेंगे कि आज द का यूज़ कहाँ पे नहीं करते थे। मैंने कहा था आपको कि आपके जीवन में जितना ज़रूरी ये जानना है कि हम लोग द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, उससे अधिक जरूरी यह जानना कि द का यूज कहां पे नहीं करते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट लोग क्या बताते हैं हम लोगों को कि भाई देखो द का यूज यहां करते यहां करते यहां करते हैं। सेम पैटर्न हमारी जिंदगी में भी चलता है। लोग जिंदगी में क्या कहते हैं कि बच्चा ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो, लेकिन हमसे कोई ये नहीं कहता कि बाबू ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो। सेम इसी पैटर्न पर आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि द का यूज हम लोग कहां पर नहीं करते हैं। बात समझ में आई, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं, आ जाइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या सीखा था। हमने कल सीखा था कि क्या होता है, आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट द होता है, इंडेफिनिट क्या होता है हमारा, ए और एन होता है। फिर हम लोगों ने कल क्या सीखा था, फिर हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि जो हमारा ए होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है, साउंड बेसिस होता है, मतलब जहाँ पे हमारा कंसोनेंट साउंड होगा वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, जहाँ पे वोवेल साउंड होगा वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। फिर हमने कुछ आपको प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए थे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था आपको कल कि ए का एक अलग सेंस में और भी यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग ईच एवरी और पर के सेंस में भी यूज़ करते हैं। ये हमने कल क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बात करी थी इसकी आर्टिकल द की बात करी थी, जहाँ बताया था मैंने आपसे कि जितने भी हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें यूनिक होती हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, वहाँ हम लोग इससे करते हैं, वहां पे द का यूज करते हैं। आइए आज हम लोग उसके आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा मैंने कल गंगा वगैरह की बात करने लगे थे तो मैप की बात आ गई थी, अब देख लेना इसके अलावा हम लोग द का यूज कहां पे करते हैं। जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए ज्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि इस बातें आप लोगों को पता होगा, जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं ये फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होता था, ध्यान समझने की कोशिश करना है। फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ आपके फिजिकल फीचर्स की तो याद रखना, जैसे बात करूँ मैं आपसे कि अर्थ की बात करूँ, जैसे द अर्थ हुआ ना, द सन हुआ, द मून हुआ, तो याद रखना जो भी हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या लिखा मैंने आपसे कि द अर्थ, अर्थ के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं, ये बातें आप लोगों को आई होप पता होंगी। द मून करते हैं ना, द जुपिटर बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कहाँ पर यूज़ करते हैं द का, याद रखना इस बात को, ये भी जान लेना कि जैसे बात करूँ मैं आपसे क्या, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, याद रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, जितने हमारी मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, जितने हमारे मैगजीन्स होती हैं, वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं थोड़ा आपसे क्या बोलूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया TOI लिखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या यहाँ पे है, हम सब लोग जानते हैं कि फेमस हमारे क्या न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। ऐसे बता दूँ मैं आपको, जितनी भी हमारी नेशनैलिटी होती है, राष्ट्रीयता, जैसे बता दूँ आई एम द इंडियन, हम लोग बोलते हैं आई एम द इंडियन। जितनी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ बोले तो आप लोग समझ रहे होंगे, कम्युनिटीज़ का मतलब यहाँ पर होता है क्या कि द हिंदू, द मुस्लिम। तो याद रखना कि जितने भी हम बात करें आपसे, किसकी किसकी बात करें, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, क्यों तेज चलूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को बस मुझे रिमाइंड करानी, फटाफट रिमाइंड करानी। जितने भी नेशनैलिटीज हो गई, राष्ट्रीयता जो हो गई, नेशनैलिटीज हो गई, जितनी भी हमारी कम्युनिटीज हो गई, जितने भी हमारे कॉस्ट हो गए, कॉस्ट मतलब जाति वाला, अब सबका मैं एक एग्जाम्पल फटाफट लिख देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपसे द इंडियन कम्युनिटीज, मैंने क्या लिख दिया कि द हिंदू, द मुसलमान, ये लिख दिया। कॉस्ट में क्या लिख दिया, द ब्राह्मिन, द क्षत्रिय, ये सब क्या हो गया, सब कॉस्ट में आता है, मतलब जाति में आता है। चाहे हम जाति की बात करेंगे, चाहे किसी राष्ट्रीयता की बात करेंगे, चाहे किसी समाज की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग द का यूज़ खूब तगड़े से करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे होटल के नाम होते हैं, फेमस होटल होते हैं, याद रखना, जितने भी बैंक के नाम होते हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, उन सब के स्थान पे भी हम लोग क्या करते हैं,
किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये बात सब पता होगा आपको। इसके अलावा याद रखना, जितने भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग द का यूज़ करते हैं। साथ में याद रखना, जितने हमारे ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट सेकेंड, हाँ ही वॉज द फर्स्ट इन हिज क्लास, ओके ही वॉज द सेकेंड, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, डेजिग्नेशंस के पहले द का यूज़ करते हैं। अब हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग द का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं। बस 5 मिनट की क्लास और 5 मिनट और देख लीजिएगा, ठीक है, कि हम लोग द का आज, हालांकि आप लोगों का पता होगा कल से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, सुबह आप लोगों की वेब डिजाइनिंग की भी क्लास चलनी है, लेकिन बस 2 मिनट टाइम मैं और लूंगा, 2 मिनट टाइम और लूंगा, बस देख लेना हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, यानी कि आर्टिकल द का यूज कहां नहीं करते हैं। ये हम बताया मैंने आपसे क्या, ये तो आपको सबको लोग सिखा देते कि द का यूज यहां करते हैं, यहां करते हैं, यहां करते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि द का यूज कहां पे नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना, याद रख लेना, जीवन में कभी भूलना नहीं। बताया मैंने आपसे क्या, आपको जल्दी किताबों में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग कुछ चीजें आप लोग क्या करते हैं, यूनिक देने की कोशिश करते हैं। जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, याद रखना एकदम साफ साफ इसको नोट कर लो, जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोग विषय पढ़ते हो, जो आप लोग गेम्स, जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं, बास्केटबॉल की बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, तो वहां पे कभी भी आप आर्टिकल द का यूज उसके पहले नहीं करेंगे, कान खोल के सुन लेना। जितने भी सब्जेक्ट, जैसे बताऊं उससे क्या, आई एम स्टडिंग द मैथमेटिक्स, बिल्कुल गलत है, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स, याद रखना। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, बिल्कुल सही है, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, बिल्कुल गलत। तो याद रखना, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जितने भी हमारे गेम्स के नाम होते हैं, इसके अलावा जो वर्ड होता है होम, सब लोग जानते हो हाउस के पहले तो यूज करते हैं, इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये पहली बात याद रख लेना, क्या बताया मैंने आपसे, गेम्स के नाम के पहले, सब्जेक्ट्स के नाम के पहले और होम के नाम के पहले। दूसरी बात याद रखना, जब भी कभी भी आप विजिट करेंगे किसको, स्कूल को विजिट करेंगे, हॉस्पिटल को विजिट करेंगे, आप प्रिजन मतलब जेल की बात मैं करूं, जेल को विजिट करेंगे, ठीक है, ऐसे जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, अगर आप उस बिल्डिंग को विजिट कर रहे हैं किस पर्पज से, प्राइमरी पर्पज से, किस लिए, प्राइमरी पर्पज से, याद रखना प्राइमरी पर्पज से, अगर आप इन जगहों को विजिट कर रहे हैं प्राइमरी पर्पज से, प्राइमरी पर्पज क्या होता है, मतलब कि जिसके लिए ये बनाया गया है, हॉस्पिटल किसके लिए, इलाज के लिए बनाया गया है, स्कूल किसके लिए जी, पढ़ाई के लिए बनाया गया, ओके, प्रिजन किसके लिए, इम्प्रिजमेंट के लिए बनाया गया। तो जब आप इन जगहों का यूज प्राइमरी पर्पज से करेंगे तो यहाँ पे कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, याद रखना, आप कभी भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल द यूज करेंगे कब, जब आप इन प्लेसेस का यूज करेंगे किस पर्पज से जी, सेकेंडरी पर्पज से, जब इनका यूज किस लिए करेंगे आप, सेकेंडरी पर्पज से यूज करेंगे। जब आप इनका यूज सेकेंडरी पर्पज से करेंगे तो वहां पे आप आर्टिकल देखा यूज कर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही है, आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, ये नहीं कहेंगे फॉर लर्निंग, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी काम क्या होता है, सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बात समझ में आई। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्टर विजिटेड द स्कूल, अब यहाँ पे देखो सही है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, ठेकेदार स्कूल क्यों विजिट किया होगा, क्योंकि स्कूल में कुछ ओवरहॉलिंग करानी रही होगी, बात समझ में आ रही, कुछ ठीक ठाक कराना रहा होगा, कुछ नया कंस्ट्रक्शन कराना रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या होता है, हम लोग द का यूज कर सकते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में मेन होता है इलाज कराना, ओके, तो वहां पे द का यूज नहीं होगा। अगर किसी सेकेंडरी पर्पज से यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जान लीजिएगा, जितने भी हमारे मील्स के नेम होते हैं, मील समझ रहे हो, जो हम लोग खाने पीने का यूज करते हैं, तीसरा सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ मील्स। ये मील्स में क्या कहते हैं जी, जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, सुबह का नाश्ता बोलते हैं, ठीक है, आप लोग लंच करते हो, आप लोग डिनर करते हो, आप लोग सफ़र करते हो, तो जितने भी हमारे खाना पीना होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, इन सबके पहले भी हम लोग कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है, तो याद रखना इस बात को, कान खोल के सुन लेना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे द का यूज़ नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों के बीच में कि द का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आई हैव माई द लंच, आप कहेंगे आई हैव माई लंच अराउंड 12 नून,
बात समझ में आ रही। मैंने क्या करा अपना कि दोपहर के 12 बजे का समय मैंने अपना क्या किया, लंच लिया। आई होप आप लोगों को ये बातें मेरी अच्छे समझ में आई होंगी। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको आज की क्लास, कैसे लगी जरूर बताया करो मुझे, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी एक बताया मैंने आपसे, क्या मैंने आपको जो बताया आज जो सिखाया है ये चीज़ आपको जल्दी कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी। तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना, मन लगा के पढ़ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे बताइए, हम और मेरा परिवार आपके साथ है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, हम लोग एनवायरमेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है। आज फिर से हम लोग प्लांटेशन करने वाले हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी थोड़ा प्लांटेशन पे काम करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।